नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश मिश्रा सक्षम एकेडमी रीवा से। सक्षम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो एलजेब्रा का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हम इतना बढ़िया धांसू क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नए और अपडेटेड क्वेश्चन है। और आप मान सकते हैं कि आज थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाँच पार्ट आ चुके हैं एलजेब्रा के, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैथ को सर्च करिए, है ना, मैथ में जाइए और वहाँ पे आपको पार्ट वाई पार्ट मिल जाएगा। बहुत बेसिक से पढ़ाए हुए हैं, एक बार आप ज़रूर देख लें उनको, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हमारे चैनल पे जो है प्रत्येक सब्जेक्ट चल रही हैं, है ना, रेगुलर आ रही हैं, ठीक है, एक दो वीडियो रेगुलर आ रही हैं। जैसे साइंस की क्लास हो गई, हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, रीजनिंग की हो गई, है ना, GS की भी चल रही हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। और आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं बिल्कुल अपडेटेड है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बिल्कुल नया है। जो हमारे सक्षम एकेडमी के छात्र हैं वो बिल्कुल देखें, वो अभी ये नहीं पढ़े थे, है ना, तो उनके लिए लेके आए। आप विभिन्न माध्यमों से पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल नए अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा हट के हैं जो हम 5 पार्ट में पढ़े हैं उसी टाइप के, पर थोड़ा सा इसमें क्या है, इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, कुछ अतिरिक्त प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके इनको सेट करना है। बाकी सारे क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आपका बेस बहुत बेहतर है, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, तो हमें नहीं लगता कि आपको इनमें दिक्कत होगी या किसी भी परीक्षा के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं लगता। बस आपका बेस बहुत तगड़ा होना चाहिए और बेस के साथ कंप्रोमाइज़ भाई नहीं करना है, है ना। तो जो हमारे छोटे क्वेश्चन हैं, जो है ना, जो मूल क्वेश्चन है, उनको आप पढ़िए बिल्कुल पीछे जाके, है ना, तो बेहतर रहेगा। और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन डन है और आपको हम बता रहे हैं कि 3 अभी और पार्ट इसके आएंगे, पार्ट सेकंड अभी इसके आगे के 2 पार्ट जो रहेंगे उसमें अपडेटेड क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस की तरह रहेगा। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, है ना, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरे अपडेटेड क्वेश्चन है, सारे नए क्वेश्चन हैं, पूरा देखना है आराम से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको हम लोग आराम से समझेंगे, है ना, एलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल नया और अपडेटेड, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आज जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो है क्वेश्चन तो है, आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी आप 4-5 पार्ट में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन क्वेश्चनों को आपको बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब ये है कि इसमें कुछ अतिरिक्त नंबर आपको जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करके इनको सेट करेंगे, फिर हम स्क्वायर और क्यूब करेंगे। समझ में आ रहा, हम आपको ज़्यादा जोर दिए थे अभी जितने पार्ट हम पढ़ाए हुए हैं कि स्क्वायर की ट्रिक, क्यूब की ट्रिक ये है, ऐसे बनी हुई है, है ना, बड़े आराम से पढ़ाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। और एक क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे, आज इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और तुलना करते हैं पिछले जो अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं उससे तुलना करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5x, है ना, देखिए यदि 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 30 है तो आपको बताना है 9x² प्लस 1/25 का x² कितना होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, हम आपको क्या बताए थे पहले हम आपको क्या पढ़ाए हुए थे, पीछे थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, आपको बताना है x² प्लस 1/x² है क्या होगा, तो आप कुछ नहीं सोचते थे, आराम से इस पर स्क्वायर करते थे आप और इसको आप आराम से लगा लेते थे, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है, आपको पता है ना, और हम आपको ये बताए हुए थे कि ये लेके चलना है, इसमें कन्वर्ट करना, तो ये हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2ab और ये 25 हो गया, यहाँ से कट हुआ, 2 जाके माइनस हो गया, आपको प्राप्त हो गया x² प्लस 1/x² 23 आपको मिल गया, ठीक है, मतलब हमको यही चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, हम आपको ये बताए थे कि आपको क्या करना है, जो करना है इसके साथ करना है और इसमें कन्वर्ट कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 30 है, तो आपको बताना 9x² प्लस 1/25x², तो अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर आप इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया है,
ऊपर जो नंबर है वह 9x² यहाँ पे 5 है, तो अगर हम बर करेंगे तो 25x² यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 25x² है, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं भाई, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 9x² यहाँ पे मिलेगा, मतलब भैया गलत हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, ऐसे सवाल है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले सेट करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा? तो सेट करने का मतलब ये है कि हमको अगर ये 3x यहाँ मिल जाए और ये 5x यहाँ पर चला जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये 3x इधर हो जाए, 5x इधर हो जाए, तो हम होल स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में भैया आ गया कि हमको, हमारे दिमाग में ये आ गया है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमारे दिमाग में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। तो 3 यहाँ पे लाना है, 5 आपको यहाँ पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल फंडा है। चले ठीक है, देखिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो अपना दिमाग भाई चल गया कि आप किसी भी संख्या में, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बराबर 30 है। तो आप अगर इसमें 3/5 का अगर आप गुणा कर देते हैं, तो आप दोनों पक्षों में इसका गुणा कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब इसको हम अंदर प्रेस करेंगे तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा और 3 का गुणा होगा, 3x मिल जाएगा। और जब इसका इनटू हम इधर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आप समझ लीजिए, फिर इसको हम हवा में लगाएंगे, ये माइंड गेम है, बस हो गया। ठीक है, ये हो गया 3/5 इंटू 1/3x हो गया, है ना, डिटेल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कट गया, 5 6 30, 36 18 आ गया, समझ में आ रहा। यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, बचा कितना भैया, यहाँ पर देखिए 3x+1/5x बराबर हो गया आपका 18। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 3x+1/5x। अब आपको प्रूफ क्या करना है, 9x² + 1/25x² आपको प्रूफ करना है। समझ में आया? तो क्या होता है, कभी कभार ऐसे घुमा देता है, हम परेशान हो जाते हैं कि भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो भैया 9 इधर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, जब ऐसा सवाल देगा तो आपको यहाँ पे इनटू कुछ अलग से नंबर इनटू करना है, यहाँ पे है ना, इनटू करना पड़ेगा, कहीं जोड़ना, आगे देखते हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो देखिए ये सेट हो गया है, अब बड़े आराम से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब इसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे, वैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b², ये हो गया +2ab, 5x हो गया, 18 का वर्ग कितना होता है, 324। ठीक, अब यहाँ से देखिए x से x आपका कट गया, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो चाहिए था, 9x² पचम 25x², यही तो चाहिए था। देखिए 9x² + 1/25x² हमें मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6/5 हो जाएगा, बराबर 324 हो गया। तो ये 6/5 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 9x² + 1/25x² बराबर 324 - 6/5। क्लियर है, 324 - 6/5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 322 + 4/5, ये हमारा क्या है, आंसर है। मतलब आप इसका, आप इसको कैसे हल करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, जो आएगा आप इससे माइनस कर देंगे, तो आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर की ट्रिक नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है कि यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, तो ये दोनों कटते नहीं है, देखिए अलग अलग नंबर है यहाँ पे, देखिए तो 3 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, तो भैया नहीं कटेगा। तो आप डायरेक्ट 18, ऐसी गलती मत करिएगा कि 18 वर्ग करके 2 आप घटा दीजिए, इसको पूरा हल कर लीजिएगा और इतना टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे मान लीजिए इसको स्पीड में करना है और आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर इसको स्पीड में करना है, और समझ में आ गया होगा आपको, है ना, सबसे पहले तो इसको आप देखा करिए यहाँ पे कि क्या है कैसे है, गुणा करिए, आराम से आप लगा लीजिए। अगर आपको स्पीड में करना है
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, आप 3/5 करते हैं, ठीक है, तो 5x है, 3x है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 3/5 करते हैं, तो यहाँ पर जो हम देखिए इंटू करके कट आउट किए हैं ना, इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये 5 से 5 कट गया तो ऊपर आया 3x, यहाँ पे ये 3 से 3 नीचे कट जाएगा तो 5x आया, और ये 5 का 30 18 हो गया। डायरेक्ट स्क्वायर करिए और आंसर अपना निकाल लीजिए, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, इसमें अच्छे से इसको समझिएगा आप, इसमें क्या है कि हम क्वेश्चन को बनाते हैं फिर स्क्वायर क्यूब करते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आया है सीजीएल प्री में आया है 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, SSC CGL के 2017 का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 2x-1/2x = 6 है, आपको बताना है x² + 1/16x² है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अपने दिमाग में आ गया, हम पावर मैच कराए कि इसका अगर कहीं से वर्क करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमको यहाँ पे देखिए एक्स जो हमारा वेरिएबल है x² है, ठीक है, x² है, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, तो इसका हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब सेट करना है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 4x चाहिए, 4x करेंगे तभी तो वर्क करेंगे, तो हमें 16x² यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे हमको केवल और केवल x चाहिए, समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें केवल x चाहिए, यहाँ पे 4x चाहिए। तो अपना दिमाग भाई चल गया कि अब 2 को हटाना है, 2 को क्यों हटाना है, क्योंकि हमको ऊपर यहाँ पे x² बस चाहिए, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको 16² चाहिए। तो अपना दिमाग भाई चल गया कि अगर इसमें हम दोनों पक्षों में भाई अगर दोनों पक्षों में हम 2/2 का गुणा कर दें तो कैसा रहेगा, 2/2 का गुणा कर दिए, ठीक है, इसमें हमको अलग से गुणा करना है। तो देखिए जब ये भाई अंदर जाएगा, इस 2 को अंदर बिल्कुल मत ले जाइएगा, ठीक है, 1/2 का काम है हमें, तो ये जब 2 अंदर जाएगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 को 1 को बाहर रखिए, आ रहा है समझ में, क्या करेंगे जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, 1/2 के ले जाना, इस 2 को मत ले जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा x। अब इस 2 का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो गया आपका 4x हो गया, और ये यहाँ से 2 + 6 हुआ, 3 × 2 = 6 हुआ, तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 + 6, तो आपका हो गया x - 4x = कितना हो गया 3। अब हमको क्या चाहिए, x² + 16 का होल स्क्वायर, तो अब कुछ नहीं करना है, आपका स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, आप अगर ना आ रहा हो तो हम बता देते हैं, इसका जब आप अंदर गुणा करेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि 1/2 को अंदर ले जाना है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, -2 × 2x हो जाएगा, और इधर आपका जो है तो 2/2 है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 2 को अंदर इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने दिमाग में चल रहा है कि भाई यहाँ पे x करना है हमको, और आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में आप समान संख्या का गुणा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका x, और ये 2 × 2 = 4x। यहाँ पर आप जब हल करेंगे इसको, ठीक है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, आपको पता है कि जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, आप हमको बताना क्या है x², तो इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और आपको मालूम है कि a + b का होल स्क्वायर भाई क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1/4x का स्क्वायर करेंगे 16x². देखिए हमको यही चाहिए था और हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। आगे देख लेते हैं, -2a कितना है आपका x है, b कितना है आपका 4x है, और ये हो गया 9, तो x से x कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया, कितना बचा 1/2, तो आप उधर ले जाके इसको हल कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + 1/2 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको फोकस इस पे करना है, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो कभी कभार एग्जाम में घुमा देता है, बस हो गया, हम परेशान हो जाते हैं, भाई स्क्वायर जैसे हम लोग पढ़ लिए, अब ये हुआ कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, भाई मामला गड़बड़ है, 4x² बन रहा, नीचे x² बन रहा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप
इसके अनुसार लगाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सेट होते हैं, परेशान नहीं होना है। इसमें अतिरिक्त आपको सीखना यह है कि आपको अलग से कोई नंबर गुणा वगैरह इसमें करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या किए, 2/2 का जब आप गुणा करेंगे तो 2 को अंदर मत ले जाइए। अब क्यों ना ले जाए, बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे दिमाग आएगा, अरे आएगा भाई, कहे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखना है, 2 को ले जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 2 से 2 कट गया, 2 का यहाँ 4x हो गया, तो अपना काम हो गया। अब यहाँ से अपना काम हो गया, इसको ले जाके इधर से काट दिए, तो जो चाहिए था हमको वो आराम से मिल गया। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है, बड़ा अच्छा सवाल है, सब उसी टाइप के हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे a प्लस है 1/64a है इक्वल टू 3/2 है, 64a² + 64a² आपको बताना है, क्लियर है। अब यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, x रखे या a रखे, तो इससे भाई परेशान नहीं होना बिल्कुल आपको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपना आप दिमाग दौड़ाइए कि भाई यहाँ पर देखिए क्या है, 64 ऑलरेडी है, चाहिए हमको स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64 है, यहाँ 64 ऑलरेडी है, तो अगर हम इसका वर्क करेंगे तो ये हमें कभी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे ऑलरेडी 64 है, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे चाहिए क्या हमको, 64 है स्क्वायर चाहिए। अगर इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो 64 का वर्क करेंगे भैया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग लगा भी लिए होंगे, इसको देखते ही समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तभी हमको ए स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ 64 चाहिए, तो अगर कहीं से यहाँ पर 8 हो जाए, समझ में आ रहा, अगर कहीं से यहाँ पर 8 हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, वर्क करेंगे 64 स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे ये 64 जो है ये भी 8 हो जाए, है ना, 8 हो जाए, तो भाई जब 8 हो जाएगा तो ये भी अच्छा रहेगा। तो मतलब एक सिंपल फंडा है भैया, कुछ अलग से हमको गुणा भाग यहाँ पे करना है, कुछ अलग से करना है हमको, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाइए कि भाई अलग से क्या करना है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए यहाँ पे हमको 8 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भैया 8 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आप दोनों पक्षों में कर दीजिए 8 का गुणा, क्यों कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि दोनों में कर रहे हैं, दोनों कट जाएंगे तो हमारे इक्वेशन का मान चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब 8 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8a+, यहाँ 8 जाएगा तो कट जाएगा, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1/8a, ये 2 × 4 8 कट गया, ये हो गया 4 × 3 12, समझ में आ गया। तो अब आपको 8a + 1/8a बराबर इतना मिल गया है, आपको ये बताना है, बड़े आराम से आप बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 8a है, 8 जब यहाँ जाएगा, जब यहाँ पे 8 का आप इंटू करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 64 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 8 है। अब आप हमको, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर जो हमको चाहिए था भाई वो हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। मतलब अब इसका स्क्वायर करेंगे 64 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, फटाफट दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो आप स्क्वायर की ट्रिक लगा सकते हैं, है ना, बड़े आराम से लगा सकते हैं। 144 में 2 घटा 142 आंसर आ जाएगा, पर कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 64 स्क्वायर, बात समझ रहे ना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। तो ये हो गया 64a² + 64b² प्लस 2 × 8a × 1/8a, ये हो गया 144, ये दोनों कट जाएंगे, 2 जाके घट जाएगा, चाहिए हमको ये जो हमको प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे b नहीं लिखना, a लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, 64a² + 1/64a² बराबर, आंसर कितना आ गया, 2 घट जाएगा, 142, ये हमारा क्या है, आंसर है, यही हमको प्रूव करना था और हो गया। तो आशा ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन, अब ये नहीं कि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, कराएंगे 8-10 इसमें, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई हमको करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, कि कुछ अलग से गुणा भाग करना है। तो चलिए ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही अवसर सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। x²−4x + 5 = 0 है, आपको बताना है x²+25/x², है ना, 25/x², ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है SSC में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा सवाल हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ नहीं है,
है ना, ये इसी फॉर्म में है, x प्लस वन अपान एक्स के फॉर्म में है, आपको x स्क्वायर प्लस 25 अपान एक्स स्क्वायर ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको शुरू में बताया कि भाई जब ऐसे सवाल बनते हैं तो आपको कुछ इसमें अलग से प्लस माइनस करना पड़ सकता है, ठीक है, मतलब इसको पहले बनाना पड़ेगा तब हम होल। अभी तक हम लोग क्या करते थे, पीछे जो पार्ट पढ़े हुए हैं उसमें डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते थे या फिर क्यूब कर देते थे, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो अभी पूछे गए हैं करेंट में, अपडेटेड क्वेश्चन है सारे, तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ ये टफ नहीं है बिल्कुल, बस आपको इतना समझ लेना है कि इनमें हमें कुछ अलग से करना है, इनमें गुणा भाग प्लस माइनस कुछ ना कुछ आपको अलग से करना पड़ेगा, फिर वो उसी मुद्रा में आ जाएंगे जैसे आप चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद आप जो करिए, ठीक है। तो ये आपको सीखना है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, आपको x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन x स्क्वायर चाहिए, ठीक है, अब इस फॉर्म में चाहिए। तो अपने को ये लग रहा है कि हमें यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर चाहिए कि ये मिलेगा, तो अपने दिमाग में एक चीज़ आ गई कि यहाँ पे x चाहिए और यहाँ पे 5 अपॉन x चाहिए, अगर ये कहीं से मिल जाए इधर साइड तो हमारा काम हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो देखिए x स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को ऐसे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि जो करेंगे इसके साथ करेंगे, समझ में आ रहा, इसको लेके चलेंगे और इसमें भाई हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको लेके चलेंगे और इसमें हम कन्वर्ट आराम से कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐसा करना है, अपने दिमाग में आ गया ऐसा चाहिए हमको, है ना, या सुपर चाहिए, 5 यहाँ पे चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है। हमको ये कहाँ से पता चला, यहाँ से, कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाए, यहाँ पर ये हो जाए, तो इसको जब हम देखें तो अपने समझ में आया नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि हम किसी भी संख्या का गुणा भाग कर सकते हैं, तो अगर इसके दोनों पक्षों में x का भाग दे दिया जाए, अगर दोनों पक्षों में x का भाग दे दिया जाए, ठीक है, हो जाएगा इतना, सब में अलग अलग आप x का भाग दे सकते हैं, x कॉमन होके कट जाएगा, कुछ गलत नहीं है। आपको क्या करना, दोनों पक्षों में भाग दिए थे, एक x यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, ये नहीं कटेगा, तो आपका बन गया x माइनस 4 प्लस 5x बराबर x में 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे भाई 0 आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को ले लीजिए, इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो गया x प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया भाई 4 हो गया, मतलब जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए था वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो क्या करना है, x का डिवीज़न कर देना है, ठीक है, तो x से x कट गया, x हो गया, माइनस आपका 4 हो गया, प्लस 5 अपॉन x हो गया, बराबर 0 हो गया, तो x प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया 4। अब आप इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर कर लीजिए तो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आपको मालूम है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 2 ए बी, चार चौको 16 हो गया, एक्स से एक्स कट गया, 5 × 2 = 10 का गुणा होकर उधर माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ चुका है 25x स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया है 6, ठीक है। तो ये 6 आपका क्या है आंसर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अलग से आप कर लीजिए ना समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर है, ये आपका 5 × 2 = 10 हो जाएगा, बराबर 16 हो गया, 10 जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये हमारा क्या है आंसर है, आराम से कर सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, है ना। अब देखिए क्या होता है, जब ऐसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये निकालना है, ये निकालना है, तो अपने दिमाग में आ गया कि भैया इधर इधर हमको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए तब ये मिलेगा, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो अपने दिमाग में आ गया कि ऐसा स्ट्रक्चर हमको चाहिए, ठीक है, तो हम कहाँ से प्रयास करेंगे लाने का, जो हमको दिया गया है उससे हम निकालेंगे। तो हम क्या किए कि अब इसको x बनाना था, हमें 5 यहाँ पे दिखा, मतलब यहाँ पे अपॉन x हो जाए, तो मतलब लगा कि स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो हम क्या किए दोनों पक्षों में x का भाग दे दिया, आराम से आप कर सकते थे, इसमें दिए इसमें दिए इसमें दिए, तो ये कट के x आ गया, ये यहाँ से 4 बचा, 4 का पक्षांतर कर लिए, 4 इधर आ गया, 5 अपॉन x इधर आ गया, क्वेश्चन आपका क्या हो गया बन गया, ठीक है, आशा है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा इसका बेसिक समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछे हैं, है ना, कि जैसे मान लीजिए इधर अगर ये चीज़ है ये निकालना है तब हम डबल स्क्वायर कर लेते थे, है ना, अगर इधर आपका एक्स क्यूब है तो क्यूब निकाल लेते थे, है ना। तो अगर कभी पावर 4 देके अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो इसकी अभी हम ट्रिक भी बना देंगे, पहले इसका बेस समझ लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा, इसका हम क्या करेंगे फिर ट्रिक भी बना के आपको बता देंगे। देखिए क्या होता है
कि अब आपको ये दिया है, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है फार्मूले में। इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये दोनों जो है सेम है ना, तो इससे फार्मूले बन सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर का क्वेश्चन है तो आप इसको सेट करना है, आपको यहाँ तक आना है, तो तीन स्टेप में आएंगे। तो जैसे एक बार दो रिमूव करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, चार को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम ट्रिक बना देंगे, ठीक है। अब इसमें आप प्लस टू कर लीजिए, दोनों तरफ आप दो ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा पहले लिख लीजिए, आप समझिए, आराम से समझिए, फिर हम इसको ट्रिक बना देंगे, ठीक है। आ रहा समझ में, ऐसा बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप दोनों पक्षों में आप दो ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी मिलते हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये हो गया आपका टू प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक। अब आप देखिए इसका जो ए है आपका वो एक्स स्क्वायर है, वन अपान एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी जो है इस फॉर्म में है तो कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका 344, क्लियर है, का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका 344, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी यहाँ पे क्या है, रखना हो रख लीजिए, ना रखना हो का एक स्ट्रक्चर सेम है, कट जाएगा। तो ये वर्ग जब उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये जब वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 344 हो जाएगा, क्लियर है, 322 में दो ऐड करेंगे 324 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, 18 होता है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18। देखिए अभी हमको चाहिए क्या, एक्स प्लस वन अपान एक्स चाहिए, तो आपको मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 18 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में फिर दो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों में हम फिर दो घटा देंगे, 18 माइनस दो हो गया आपका, ठीक है, दो घटा दें या प्लस कर दें कोई दिक्कत नहीं है, दो प्लस कर दीजिए आप यहाँ पे, कहे कि प्लस में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 18 दो कितना हो गया 20, तो जब ये वर्ग उधर जाएगा तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया, रूट 20 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 20 हो गया। रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसको हम तोड़ लेंगे, 4 × 5 = 20, दो इधर से निकल आ जाएगा, 2√5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम पहले ट्रिक बनाएंगे, पहले एक बार आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। समझना ये है कि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना ये है कि आप बैक हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आप तोड़े, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 322 है, दोनों तरफ जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको साइलेंट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इंटू टू ए बी आप बना सकते हैं, ये ए बराबर कितना एक्स स्क्वायर है, बी बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कोई मतलब कुछ रखने का नहीं है। तो आपका बन जाएगा ए बराबर एक्स स्क्वायर है प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 322 में दो ऐड करेंगे 324 आ गया। अब ये जब वर्ग जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो पुनः ये मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या किए, दोबारा इसमें दो ऐड कर दिए, ठीक है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आप इंटू कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है, ये दोनों जब सेम है तो भैया यहाँ तो कटिन जाएंगे, तो ए बी का कोई मतलब है नहीं। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 20 है, वर्ग उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से हम आपको कन्फर्म करके बता देते हैं, ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि एक ट्रिक जनरेट करके हम आपको बताते हैं, बस इसको आप सीख लीजिए काम खत्म है। जैसे मान लीजिए कहीं पे स्क्वायर करके आपको ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया एक्स प्लस वन अपान एक्स, मतलब आपको पावर को नीचे लाना है, आ रहा समझ में। पावर जैसे स्क्वायर है तो एक्स निकालना है, पावर 4 है तो आपको एक्स निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो नंबर है उस पर दो ऐड करके उसका अंडर रूट ले लीजिए, इधर आपका पावर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 14 दो 16 हो गया, इसका कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा बात क्या है,
देखिए कैसे बन रहा आप देख सी सकते हैं। इसको जब आप ट्रेडिशनल सॉल्व करते हैं तो इन दोनों पक्षों में आप क्या करते हैं, दो को ऐड करते हैं। देखिए दो को ऐड किए तो इधर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो दो ऐड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, और ये वर्ग जाएगा तो रूट लग जाता है। तो मतलब ये इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि कभी आपको बैक आना हो तो आप डायरेक्ट वो लिख दीजिए और जो नंबर यहाँ पर है उसमें दो ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट मान मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। दो 5 सेकेंड लगेगा, ये हल हो जाएगा। इसको आप आराम से देखिए। तो अगर कभी आपको M4 से या M6 या M8 से है ना, या M कभी कभार घुमा सकता है, 10 दे देगा, पूछ देगा आपको क्या करना है, X4 है तो एक बार कहे कि ये देखिए 2 के मल्टीपल में है, 2 दूनी 4 है, तो पहले हमको स्क्वायर लाना, तो आप स्क्वायर लिख लीजिए आराम से। जो संख्या इधर है उसमें आप 2 ऐड करिए, अंडर रूट लीजिए, तो ये हो गया 324 हो गया, इसका मान आ गया 18। अब x² + 1/x² = 18 है। अब हमको अभी x प्लस और एक बार 2 रिड्यूस करना है, तो आप क्या करिए 18 में 2 जोड़िए, अंडर रूट ले लीजिए, तो 20 आ गया। और 20 को आप लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, तो 2 निकल आया, 2√5 आंसर हो गया। मतलब आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखिएगा जब हम पावर रिड्यूस करते हैं, पीछे को आते हैं, तो स्क्वायर का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2 ऐड करके अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर जितना है फिर उसका अंडर रूट करिए, 2 ऐड करिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब आप बहुत बड़े कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर समझा दिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कभी है ना, जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दिया आपसे, x + 1/x पूछा, तो आप कुछ नहीं करना, जो नंबर इधर है 2 ऐड करिए आराम से, अंडर रूट लीजिए, पीछे आ गए फिर अंडर रूट प्लस करिए 2, फिर अंडर रूट करिए, तो बैक आते जाएंगे और आप x + 1/x तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारी लंबी प्रोसेस है, जो पहले हम बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट इसका बताए हुए हैं, आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 2 सवाल अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हैं उस टाइप के 2 सवाल उसकी ट्रिक बनाए थे आपके सामने, तो 2 सवाल और कर लेते हैं फटाफट, एक बार हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसको कैसे करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं, है ना, ट्रेडिशनल देखना होगा, पीछे चले जाइएगा, नहीं तो एक बार बताइएगा फिर से। हम अभी बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे एक बार हम है ना रिवाइज कर देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे x का पावर 4 है, 23 है, तो हम आपको बताए कि ये देखिए पीछे आना हमको इस पे, तो क्या बताए थे कि आप पावर रिड्यूस करिए। यहाँ पे देखिए 2 × 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमको इस x² लाना है, तो क्या बताए थे, जो नंबर यहाँ पे है उस पे 2 ऐड के करके अंडर रूट कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका x² मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से कर रहे हैं हम, है ना। 25 का कितना हो गया भैया, 5 हो गया। ठीक, अब हमको, अब यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए माइनस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जब माइनस लाना है आपको यहाँ से, अगर आपको प्लस लाना है, प्लस लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 5 लिखिए, 2 रखिए, ये आपका आंसर हो गया √7। ठीक है, अब आपको माइनस लाना है, तो अगर माइनस लाना है तब आप ऐसे मत करिए। माइनस लाने के लिए क्या करना है, x − 1/x लाने के लिए जो नंबर यहाँ पे है उसमें 2 घटा के अंडर रूट कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका √3। x − 1/x बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। समझ में आया। तो देखिए जब आपको पीछे आना है, जैसे इधर पावर 4 है, पावर 2 है, और आपको ये चीज़ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसकी हम ट्रिक बनाए हुए हैं अभी, है ना। तो जो नंबर यहाँ पे है उस पर 2 ऐड करिए, अंडर रूट लीजिए, डायरेक्ट आ जाएंगे। और अगर माइनस करना है, तो जैसे प्लस में अगर आपको ये चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन बताए थे 2 ऐड करके अंडर रूट लीजिए, अगर माइनस में चाहिए तो माइनस कर दीजिए। इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करना है कि जब आपको x + 1/x चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें 2 ऐड किए, इसमें 2 माइनस क्यों किए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको माइनस में चाहिए तो यहाँ −2 करेंगे, −2 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका a² + b² − 2ab। तो ab लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे एक्चुअल में, है ना, यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा, अब इसके बराबर क्या होता है, a² + b² − 2ab बराबर a − b का भाई होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर होता है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ गया तीन, तो वर्ग उधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट थ्री। तो हम जो ट्रिक बनाए, तो जब आपको ये चीज़ माइनस में कन्वर्ट करना हो तो जो ट्रिक में हम बोल रहे थे कि दो ऐड करके रूट ले लेना है, तो इसमें दो घटा के रूट ले लेना है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब कर दिए, इसीलिए एक क्वेश्चन और लिख दें कि आपके समझ में आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बोले कि आप पहले एक्स स्क्वायर पर आइए, तो एक्स स्क्वायर में आपको माइनस करने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, आप प्लस में आ जाइए। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि हमको एक्स प्लस वन अपान एक्स चाहिए कि एक्स माइनस चाहिए। तो अगर माइनस में चाहिए तो जो नंबर यहाँ पे आता है दो घटा के रूट ले लीजिए, डायरेक्ट आ जाएंगे। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं। तो देखिए दो घटा रहे हैं तो आया, फिर वर्ग जाके अंडर रूट कर देता, तो डायरेक्ट ट्रिक बना दिया ना, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे ये सवाल है, हवा में लगा दीजिए आप डायरेक्ट, देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक ही स्टेप आपको नीचे आना है, तो सीधे माइनस में लिखिए, 14 में दो घटाइए रूट लीजिए, काम खत्म, 12 हो गया। अब यह रूट 12 हो गया तो आपका आंसर आ चुका है 3 चौको 12, 2√3 खत्म। क्लियर है? तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे अलजेब्रा के, ठीक है, और हम बहुत जल्द ही आपको है ना अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है वो हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, परसेंटेज वगैरह यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद।